मनुशासन में यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है। दो एक दिन से हम इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन। ऐसा लगता है कि कैसे उल्टी बात करें, ये बात तो जचने वाली नहीं लगती है हमारे को। पंचेंद्रिय विषयों को भोगे वो कहे धर्म, ये कैसे होगा? वास्तव में विषय सुख भोगते हुए का अर्थ लगाना चाहिए घर गृहस्थी में रहते हुए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। विषय सुख भोगते हुए धर्मोपार्जन का अर्थ हो गया घर गृहस्थी में रहते हुए भी धर्म किया जा सकता है। धर्म करने के लिए घर बार छोड़ना ही जरूरी नहीं है, बिना घर बार छोड़े हुए घर में, परिवार में, समाज में, सबके बीच में रहते हुए भी धर्म साधन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो धर्म साधन, तो इन्होंने यहाँ 9 प्रकार बता दिए थे, कल अपन ने वो सब बातें पढ़ी है। मन, वचन, काय और कर्म कार्य अनुमोदना के माध्यम से धर्म का संचय किया जा सकता है, और इसमें बहुत सहज और सरल अच्छी बात है अनुमोदना। अनुमोदना करो, हर अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, प्रशंसा करो। ये व्यक्ति अनुमोदना करने में बहुत कंजूस होते हैं, हमसे प्रशंसा नहीं होती, हमसे किसी की तारीफ नहीं की जाती, और निंदा तो खूब करते हैं। प्रशंसा सुनना चाहता है और निंदा करना चाहता है। यहाँ ये कह रहे हैं जितनी अनुमोदना करो, किसकी? धर्म कार्यों की, धार्मिक कार्यों की, व्रतादिक की, संयमादिक की, जैसा पालन धर्म योग्य करते हुए जीव दिखाई देते हैं, षट आवश्यकों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, देव पूजा, गुरु प्राप्ति, कोई स्वाध्याय करता है, प्रशंसा करो, इनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, ये खूब स्वाध्याय करते हैं। अरे लाभ भैया, भावना भाव उस तरह की, तो आप वो कार्य नहीं कर पाने पर भी धर्मोपार्जन कर लेंगे, पुण्योपार्जन हो जाएगा। देखिए पेज नंबर 24 पर भावार्थ का तीसरा पैराग्राफ आगे पढ़ते हैं अपन। धर्म के अनेक अंग हैं, बहुत प्रकार का धर्म है, ऐसी बात नहीं कि धर्म एक ही प्रकार का होता हो। जो एक प्रकार का धर्म कहा गया है वो धर्म भीतराग भाव रूप धर्म, वो धर्म तो चौथे गुणस्थान वर्ती का हो चाहे सिद्धों का हो, सबका एक जैसा धर्म है भीतराग भाव। और कह रहे हैं इसके अंग बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे क्षमा मार्दव आर्यवादी, वो भी तो धर्म के अंग थे, उनमें जो धर्म करना संभव हो वही धर्म करना चाहिए। इसमें बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं, जो संभव हो वो करना चाहिए। इसका मतलब खेचतान से पालन करने का नाम धर्म नहीं है। अरे जो संभव हो वो करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे से नहीं निभाया जा रहा लेकिन मैं खींचे जा रहा जबरदस्ती, और सोच रहा हूँ कि अब तो धर्म होगा, थोड़ा सा और एक दिन और खींच लो। अरे तो भैया इससे धर्म नहीं है, इजी गोइंग हो, संभव हो सके, संभव हो सके इस बात को कहने में कोई व्यक्ति छल ग्रहण नहीं करना। क्योंकि कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब हमसे तो रात्रि भोजन का क्या हो नहीं सकता था, हमारे लिए संभव नहीं है, क्या करें, दुकान पे रहते हैं, काम रहते हैं, ऑफिस रहते हैं,
क्या ऐसे चल नहीं सकता, मंदिर भी दूर है, रोजाना दर्शन भी नहीं कर सकते और आलू छोड़ना भी संभव नहीं है क्योंकि सब जगह जाते आते हैं, सब जगह फिर कैसे होगा? ये संभव नहीं है, इस परिभाषा में बात लागू नहीं होगी। वो संभव नहीं है, इसमें वे बातें लागू होगी कि आप अस्पताल में भर्ती हैं और मंदिर जाना संभव नहीं है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 36 घंटे का सफर है और दर्शन संभव नहीं है, वो बात लागू होगी, संभव नहीं है। आप अपनी मति कल्पना से अपनी आलस्य और प्रमाद के कारण आप उन प्रवृत्तियों में प्रवृत्त न हुए, आप ये कहेंगे नहीं नहीं टाइम नहीं मिलता है, अब उस समय तो ये सीरियल आता है, ये आता है, अपने संभव नहीं है साहब जाना, और तो क्या करें, जा नहीं सकते हैं अपन तो सुनने के लिए कोई टाइम। हाँ यदि ये टाइम थोड़ा सा 1 घंटे आगे पीछे कर दे तो फिर अपन जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे वो जाने में उससे कोई एलर्जी है, हम जा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना, हमने कभी सुना नहीं है, सुनते भी हैं कभी, लेकिन अभी इन दिनों क्या है वो सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है इसलिए संभव नहीं है। इन्होंने क्या बात कही है, कितना मार्मिक, एक एक वाक्य के अंदर कितना मर्म भरा हुआ है। धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें जो धर्म करना संभव हो वही धर्म करना चाहिए, जो संभव नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। इसमें खेचतान वाली बात आ गई, उसको बहुत विस्तार कर सकते हैं आप खुद अनुभव करेंगे, जहां जहां आपको ऐसा प्रवृत्ति करते समय बहुत ज्यादा खेचतान हो रही हो, क्योंकि हम कितने उदाहरण दे सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में बनने वाली परिस्थितियों को आप स्वयं अनुभव करते हैं और उनके आधार पर आप निर्णय करें कि मैं क्या कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं, किस प्रकार से इन बातों का पालन किया जा सकता है। एक अंग भी थोड़ा बहुत जितना बने उतना ही करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 4-4 घंटा ही पूजा करें, आप एक पूजा भी कर सकते हैं जितना बने, थोड़ा बहुत भी नहीं साहब ये तो करनी पड़ेगी, आज तो रविवार है तो उपासना स्वामी की तो होगी, नहीं नहीं अभी तो ये चल रहा है, अभी पंचमेरू की भी जरूरी है, अब तो उसकी भी चालू हो जाएगी, नंदीश्वर दीप की भी चालू हो जाएगी, अब ये पूजा नहीं जुड़ गई, 16 साल की तो जरूरी होगी, बात बात चल रहा है, अब 10 प्रक्षण चालू हो गए, 10 प्रक्षण भी, अभी पंचमेरू चल रही, अब पंचमेरू बंद हो गई, अब ये क्या है, इनमें कोई दम नहीं है इन बातों में। आपके पास जितना समय है और जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार काम करें आप, उपयोग की निर्मलता रहे, परिणाम न बिगड़े और भाव उसमें लगता रहे, मन उसमें लगता रहे, इसलिए किसी थोड़ा बहुत भी नहीं होगा ना, वही गुणकारी है। यदि आप उस पर अमल करें, उसको अपनाएं, जीवन में उतारें, तो थोड़ा बहुत ही बहुत गुणकारी है, और बहुत ग्रहण कर लेने के बाद में यदि वो अपच हो जाए, वमन हो जाए, तो फिर क्या मतलब। देखिए 2 लाइन हो गई यहाँ, धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें जो धर्म करना संभव हो वही धर्म करना चाहिए, यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग व्यवहार धर्म के संदर्भ में किया जा रहा है, ये समझ लीजिएगा, ये बात व्यवहार धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं, निश्चय से धर्म वितराग भाव है वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ पुण्य रूप धर्म की बात चल रही है, यहाँ शुभाव रूप धर्म की बात चल रही है, यहाँ प्रवृत्ति रूप धर्म की बात चल रही है, ठीक है ना। एक अंग भी थोड़ा बहुत जितना बने उतना ही करना चाहिए, इसी इस प्रकार सभी प्रकार से धर्म का संचय होता है। अतः तू कठिनाई बताकर धर्म कार्य में निरुद्यमी आलसी रहना चाहता है, डांट लगा रहे नहीं तू, ये कहकर के कि बहुत कठिन है भाई, आलसी रहना चाहता है तू, निरुद्यमी रहना चाहता है, ये लगता है कि नहीं नहीं हमसे तो हो नहीं सकता साहब, इतनी देर बैठा नहीं जाता, दुकान पे कैसे बैठता है, ऑफिस में कैसे बैठता है, कि नहीं नहीं वहां तो थोड़ा बहुत पहल धुल लेते हैं, यहाँ प्रवचन में तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा हाथ पांव इधर उधर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उसे बैठा नहीं जाता, हमसे नीचे बैठा नहीं जाता, ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता, तो अपन तो जाते ही नहीं, ये कह रहे हैं तो आलसी बनता है, आलसी रहना चाहता है, कठिनाई बता करके
कि मुझसे हो नहीं सकता है, सब हो सकता है, निभाना कठिन नहीं है। दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करे तो सब संभव है। ये नहीं साहब, जाते आते हैं हम तो सब जगह घूमते फिरते हैं, फिर ऐसे भोजन कब तक छोड़ेंगे, रात को ही होता है सब जगह, दिन में तो कहीं होता ही नहीं है, दिन में तो मिलता ही नहीं है, फिर ऐसे कैसे चलेगा हमारा। कि नहीं नहीं, आपको यदि निभाना है और नहीं मिलता है तो घर भोजन करके जाइए, कोई जरूरत नहीं है वहां जाकर के खाने की, आप खा के भी जा सकते हैं यदि नहीं मिलने की संभावना दिखती है, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन धर्म कार्य में निरुद्यमी होना योग्य नहीं है, आलसी और प्रमादी होना योग्य नहीं है। प्रमाद में धर्म नहीं है, आलसी में धर्म नहीं है, और जैन धर्म तो प्रमादियों का धर्म है भी नहीं, आलसियों का धर्म नहीं है, उद्यमियों का धर्म है। हमारा पूरा का पूरा चरणानुयोग हमें एक्टिव बनाता है, चरणानुयोग के ग्रंथ हमारे को एक्टिव बनाते हैं। आप कितने एक्टिव रह सकते हैं, खान पीन में बराबर घर का पिता होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, देख करके चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक चलो, अच्छे से धरो उठाओ, ये सब क्या है, आप कितने एक्टिव हो सकते हैं, वो बात हमारे को सिखाता है। मतलब प्रमाद का अभाव चरणानुरूप से दिखाई देता है। इसलिए तो पहले के जो बैठी होते हैं बोलते हैं जैनी बीमार पड़ जाए, यह संभव हो ही नहीं सकता, जैनियों को कहाँ जरूरत है। ये है ना अपने छिंदवाड़ा वाले पंडित जी, धवल जी, जानते हैं आप लोग, ब्रह्मचारी केसरी चंद जी धवल, फिर बहुत वर्षों पहले आया करते थे, यहाँ भी आते थे, हाँ बहुत वर्षों से नहीं देखा, वो थोड़े पता नहीं कहाँ है, तो वो अभी थोड़े समय पहले वो बाबा रामदेव के पास गए थे, बाबा रामदेव के पास वैसी चर्चा हुई, उनसे मिलने गए थे, वैसे ही मिले थे कहीं किसी जगह पर, एक ही जगह पर होंगे तो आपको हमें मिलना होगा ऐसा। तो रामदेव बाबा ने उनसे कहा कि अरे ब्रह्मचारी जी, आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत, विश्वास ही नहीं होता क्या, आपके यहाँ से पूरा का पूरा चरणानुयोग, और आप जिस तरह से धर्म साधना करते हैं, आपके यहाँ जो चरणानुयोग में पालन करने की बातें कही है, उनका पालन कर लेने के पश्चात अब हमारे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम और कोई नई बात बता सके, और हम तो उनमें से बातें निकाल निकाल करके बतलाते हैं। जो व्यक्ति पानी जान करके पीते हो, कहाँ रोग होगी, बीमारी का कहाँ काम है, वही तामसिक भोजन नहीं करते हो, अंधकार में उत्पन्न हुई वस्तुओं को सेवन नहीं करते हो, रामदेव बहुत विरोधी है आलू खाने वाले, पता है आलू का निषेध करता है वो बहुत। बाबा रामदेव के सैकड़ों हजारों मानने वाले फॉलोअर्स उसके, वो आलू के त्यागी है। मैंने वो ये कहता है कि ये जो जैन धर्म का जो चरणानुयोग है, ये चरणानुयोग का पालन करने वाले बीमार नहीं होते। आप देखिए, हम जो पालन नहीं कर पाते हैं वो बीमार होते हुए दिखाई देते हैं, और जो बराबर इन चीजों का पालन करते हैं, ऐसे मुनिराज एक बार भोजन करेंगे, मर्यादित प्राप्त नहीं, बिल्कुल अंतर्मुट से अधिक का नहीं, तत्काल पिता हुआ, एक ही बार भोजन लेंगे, खूब पैदल चलेंगे, गाड़ी घोड़ों का काम नहीं है, एसी कूलर का काम नहीं है, ये सब चरणानुयोग ही। भाई आचरण कितना उत्कृष्ट है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती मुनिराजों को, और कितने लंबे लंबे काल तक उनका जीवन दिखाई देता है मुनिराजों का। कदाचित हो जाए किसी के पूर्व पुण्य के योग से, पाप के उदय से, पुण्य का योग इस प्रकार कह सकते हैं कि उपयोग और ज्यादा स्वभाव धर्मक होता है ना। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं आलसी होना योग्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आलसी व्यक्ति दरिद्री होकर दुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार तू भी पुण्यहीन होकर नरकादि में दुख प्राप्त करेगा, इसलिए धर्म का संग्रह करना ही योग्य है। क्या कह रहे हैं, बुढ़ा जी भाषा में वो भी कड़क भाषा में लिखा हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से कड़क भाषा में लिखा हुआ होगा, आजकल आप रखते नहीं बुढ़ा जी वाली, वो काम नहीं आते ना, इसलिए एक आपके पास तो वो दो नहीं पढ़ सकता ना। नहीं वो क्या खुली रहे ना, तो अपने को बराबर टेली भी होता रहे कि वो बातें इसमें है या नहीं है। तो एक आध वाक्य जैसे शुरू में एक वाक्य आया था ना ऐसा, जो छूटा हुआ था, डुंडारी में था और इसमें नहीं था, ऐसे वो बराबर, क्योंकि हो ही सकती है ना संभावना, इसलिए।
कैसी बात कह दी यहाँ, उदाहरण दे दिया यहाँ, जिस प्रकार आलसी व्यक्ति दरिद्री दिखाई देता है, आलसी है, पड़ा रहता है, न कमाता है, न घूमता फिरता है, न नौकरी पर जाता है, न बिजनेस करता है, और जाता भी है तो आलसी प्रमादी बना रहता है, तो उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से ऐसा आलसी और प्रमादी व्यक्ति निरंतर दरिद्री बना रहता है, दरिद्री होकर के दुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार तो धर्म संचय नहीं करेगा, आलसी प्रमादी होकर के धार्मिक क्रियाओं और प्रवृत्तियों में सावधान नहीं रहेगा, तो पुण्यहीन होकर नरकाधिक के दुख प्राप्त करेगा। ये जो पुण्य वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ये पुण्य ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। क्या पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, जितना भी ये पुण्य था तेरा, ये सारा का सारा पुण्य जो मनुष्य जीवन दिखाई दे रहा है, ये सब जो अवसर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे चांस मिले हैं, शारीरिक स्वस्थता, पांचों इंद्रियों की सबलता, आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, शरीर से उठता बैठता है, चलता है, ये सब तो पूर्व के पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्रियों को और विषयों को भोग रहा है, लेकिन ज्यादा लंबे समय नहीं चलने वाला है। आमद कमती और खर्च घनेरा, क्या होगा ऐसी स्थिति में? जो पुरानी कहावतें है ना, माने पुण्य की आमद तो है नहीं और खर्चा पुण्य का पूरा हो रहा है, तो अब क्या होगा? क्षीण हो जाएगा पुण्य, अंदर का जी गतियों में जाकर के दुख भोगेगा। ये सावधान करा रहे हैं, सचेत करा रहे हैं, सावधान रहना। वर्तमान में मिली हुई भोग सामग्रियों में, वर्तमान में मिली हुई अनुकूलताओं को देख करके आलसी होने की जरूरत नहीं है, अपितु ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किस कारण से मिली है। मूल का संचय करो, संचन करो, पीछे आई थी ऐसी बात, मूल को उखाड़ देने वाला समझदार नहीं है व्यक्ति। देखिए फिर धर्म का फल बताते हैं आगे, ये एक लाइन और छूट रही, इसलिए धर्म का संग्रह करना ही योग्य है। ठीक है, पुण्यहीन होकर नरक आदि दुख प्राप्त करेगा, नरक आदि में बहुत घोर दुख है, अकेले नरक की बात नहीं है, आदि शब्द में तिरियंश भी लगाना, और तिरियंश कहते हैं हमारे को हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली दिखाई देते हैं, ये भ्रम है हमारा, ये सब तो तिरियंश है ही, लेकिन ये तो फिर इनको तो बहुत अनुकूलताएं मिल जाती है। चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये सब तिरियंश गति के जीव है, अपार दुख है इनको। गायों को यदि तकलीफ हो, कुत्ते बिल्लियों को यदि तकलीफ हो, तो बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी करुणाशील दिखाई देते हैं जो उनको अस्पताल में ले जाएंगे, उनको दिखा देंगे, ठीक है ना, और उनके भी चिकित्सालय चलते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, और बहुत सारे उनको पालते हैं, पालन करते हैं, तो ऐसे उन तिरियंशियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं नरक आदि तिरियंश गति के दुखों को भोगेगा, अरे वृक्ष बन करके हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा एक ही जगह पर, कभी बंदर माथे पर कूदता रहेगा, कभी कोई चढ़ता रहेगा, कभी कोई कुल्हाड़ी लेकर के टहनियां काटता रहेगा, कभी कोई फल फूल तोड़ता रहेगा, सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करता रहेगा और खड़ा रहेगा, न बोल सकता है, कह नहीं सकता है, न भाग सकता है, न चिप सकता है, ओले पड़ेंगे, बरसात पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, पेट सूख रहा है, पानी डालने वाला कोई नहीं है, और कई कई महीनों तक बरसात नहीं हो रही है, बोलो आप कौन कौन पानी डालता होगा? बोलो जो पेड़ आपके घर में यदि आपने कोई लगा रखे हैं पौधे, तो आप पानी डालते हैं, लेकिन सड़कों पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, ये पेड़ कई कई महीनों तक, क्योंकि बरसात के पानी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बरसात के 12 महीने रोजाना तो आती नहीं है, साल में 8 महीने यदि बरसात नहीं आ रही है मान लीजिए, तो 8 महीने तक तो वे भूखे प्यासे हैं, उनमें भी वैसा ही वही आत्मा है, वैसा ही आत्मा है जैसा ही इस शरीर में मौजूद है, कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार से वो भी सुख दुख का अनुभव करता है, वो तिरियंश गति का जीव है। क्या कारण है? हाँ, पेड़ पौधे सुख दुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, वही तो बता रहा हूँ इतनी देर में। हाँ बिल्कुल,
जीव और आत्मा पर्यायवाची होता है, जीव मतलब आत्मा और आत्मा मतलब जीव, एक ही बात है ना, जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। देखो अब ये हमने अनेक बार इस प्रकार के दुख उठाए हैं, दुख भोगे हैं, हम भी वहां गए हैं। बहुत से लोग तो पशु पक्षियों को जीव मानने को तैयार नहीं है। मुझे मिल गए थे एक व्यक्ति, आप भूल गए शायद, आपके सामने की बात थी शायद, अपने यहाँ चाकू के मंदिर में वीर शासन जयंती का कार्यक्रम था और मुझे बुलाया था वहाँ, आप लोग थे करने के लिए, वो महाराज भी आए थे, हाँ महाराज भी थे, महाराज के सानिध्य में, और मेरा अनुमोदन हुआ, सब बातें हुई थी। फिर उसके बाद में मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित क्या, और वो व्यक्ति उन्होंने मेरे से बाद में कहा क्या कि ये जो कबूतर होते हैं ये कोई जीव थोड़ी ना होते। बहुत मैं ऐसे व्यक्ति जो मतलब बहुत महाराज के अच्छे परम भक्त और श्रावक शिरोमणि ऐसी उपाधियां जिनको मिलती रहती है, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। जीव तो बस मनुष्य ही होता है ना बस, बाकी किसी और किसी में कोई जीव थोड़ी ना होते। क्या समझाए इनको, क्या बात करें, सब धर्मात्मा है ऐसे लोग। हाँ क्या बड़ी स्थिति खराब है, क्या बात करें। तो देखिए यहाँ से ये कह रहे हैं त्रियंज गति में जाकर के हमारे एकेंद्रीय दशा में वृक्ष होकर के, पेड़ पौधे होकर के पृथ्वी का एक हो गया, पहाड़ बन गया, उसमें जाकर के वहां जीवन यापन कर रहा है। और तो कितने लंबे समय तक, 22,000 वर्ष तक, बोलो आप ऐसी आयु पृथ्वी का एक जीव होगी। वनस्पति का ही 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु, सोचिए 10,000 वर्ष तक विकलत्र हो गया, दो इंद्री हो गया, एक इंद्री हो गया, क्या क्या स्थिति है इनकी, अपार दुख है। कम से कम जो चार इंद्रिय है या पंचेंद्रिय है, शक्ति सामर्थ्य तो दिखाई देती है, पेड़ की टहनियां तोड़ देने पर उन पेड़ों को ठीक उसी प्रकार दुख होता है जिस प्रकार हमारी उंगली तोड़ देने पर दुख होता है, हाथ तोड़ देने पर दुख होता है, ऐसा दुख है। लेकिन हमारी उंगली हाथ टूटता है तो हम चिल्लाते हैं, और बहुत सैकड़ों लोगों को पता लगता है उस बात का कि इसका हाथ टूट गया है, रोते हैं, दुख भोगते हैं, और लोगों को पता लगता है इस बात का, और वो बेचारा रोता भी होगा तो कोई सुन नहीं सकता उसकी आवाज, उसकी पुकार, वचन नहीं है। आ जाते हैं तो इतनी लंबी आकृति वाले नहीं होते, पृथ्वी का एक जीवों की अवगाहना बहुत सूक्ष्म होती है, तो क्या जीव है, पुण्य हीन, हीन पुण्य का मतलब समझ गए ना, हीन पुण्य का मतलब सब छिन जाएगा, हीन पुण्य का मतलब पुण्य के उदय से मिली हुई कुछ भी सामग्री नहीं रहेगी, पुण्य के उदय से मिले हुए कपड़े लत्ते नहीं रहेंगे, निर्वस्त्र त्रियंज गति के जीव नारकीय त्रियंज आदि देह से सब नग्न हैं, सब नग्न ही होते हैं, पुण्य के उदय से मिले हुए कपड़े लत्ते जेवर गहने आभूषण सब छीन लिए जाएंगे, ये पुण्यहीन होकर के दुख पाएगा। एक भी सामग्री नहीं है, बर्तन नहीं है, घर नहीं है सिर छिपाने के लिए, नारकियों के भी घर नहीं होते और त्रियंजों के भी घर नहीं होते, बोलो, घर नहीं है, कपड़े नहीं है और रोटी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, तीन बातें कहते हैं हम इस जीव को जीवन यापन के लिए सुख पूर्वक है, जीवन यापन करने के लिए तीन चीजें कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। मकान नारकी त्रियंजों के है नहीं, कपड़ा नारकी त्रियंजों के होता नहीं है और रोटियां उनको मिलती नहीं है। अब देख लो आप जिन चीजों को आप इकट्ठा करके सुख मान रहे हैं, ये चीजें पुण्योदय से मिल गई है, लेकिन पुण्यहीन यदि हो गया, कब होगा पुण्यहीन, ये कह रहे हैं जो धर्म संचय नहीं करता, जो आलसी और प्रमादी होकर के धर्म कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता, वो अपने पुण्य को क्षीण कर रहा है, और ऐसे पुण्य क्षीण होता होता एक बार सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा दुख के अलावा, दुखी दुख भोगता रहेगा। इसलिए
धर्म का संग्रह करना ही योग्य है। धर्म संग्रह करो, धर्म संचय करो, उपयोग को धर्म कार्यों में अधिक से अधिक लगाओ, जितना बन सके, जितना संभव हो सके आप प्रयास। ठीक है, देखिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। धर्म का फल, धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है वो सब बताते हैं। जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है, कितनी मार्मिक बात कही है। तो हर कदम कदम पर ऐसा लगता है कितना गहराई में बैठकर की बात करते हैं आचार्य जी। ये कह रहे हैं धर्म होने पर क्या फल होता है, ये बात नहीं कह रहे। जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है वो बात कह रहे हैं। इसका मतलब धर्म तो चित्त में होता है, प्रवृत्ति में नहीं। ख्याल में आ रही है बात? चित्त में धर्म होने पर क्या फल होगा, प्रवृत्ति में क्या दम है। जिनके चित्त में होता है उनके प्रवृत्ति तो स्वयं होती है, अपने आप होती है। जिसका मन जुड़ा हुआ होता है तत्व ज्ञान के साथ में और वो स्वाध्याय नहीं करे ऐसा कैसे हो सकता है। जिसका मन लगता है उसमें, जिसको आनंद आता है स्वाध्याय में प्रवचन में, वो तो कैसे नहीं आएगा। अवश्य आएगा, अवश्य सुनेगा, लाभ प्राप्त करेगा। ये कह रहे हैं जीवों के चित्त में, मन में, हृदय में, अंतरंग में, अंतःकरण में धर्म होने पर क्या फल होता है और न होने पर क्या फल होता है। अंतरंग में धर्म साधन करेगा तो क्या फल मिलेगा और नहीं होता है तो क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी चंद में कहते हैं। वतन दिल का चंद है मक्का मरवा। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वा, अपने दान धर्म कर दीवाधीन करे बहगा, किंतु धर्म बिन पिता पुरुष भी हरे परस्पर तारों को, अचर धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जान। बोलिए इस हर चंद में उदाहरण ही उदाहरण है, उदाहरण देकर के उन बातों को समझाया है और कितने सरल भाषा में है। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, देखो भाई जिसके हृदय में भले प्रकार से धर्म का वास दिखाई देता हो, जिसके हृदय में धर्म निवास करता है। कहते हैं अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे रह घात, उसके यदि कोई प्राणों का भी हरण कर ले तो भी वो उसका घात नहीं करता है। गोली का जवाब गाली से भी नहीं। कोई कितना भी नुकसान पहुंचाए लेकिन वो उसका प्रतिकार नहीं करता, विरोध नहीं करता, शांत भाव से उसका समाधान खोजता है। अपने प्राण हरण करने वाले, प्राण हरण करने वाले ये सर्वोत्कृष्ट बात कही है और इससे अल्प बातें सारी लागू हो जाएंगी, उसमें गर्वित हो जाएगी। देखिए किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दी तो हमने मार दिया, तो बात तो है ही नहीं, यहाँ गाली तो दी है क्या? किसी व्यक्ति ने हमारे को चांटा मार दिया तो हमने उसका जवाब नहीं दिया, उसका घात नहीं किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोई व्यक्ति जान से मारने के लिए आ जाए तब भी उसका प्रतिकार नहीं करे, ये बात कर रहे हैं हम। बोलो, दो तीन बातें हो गई ना। किसी व्यक्ति ने गाली दी माने वचन की विकृति, किसी व्यक्ति ने चाटा मारा निकाय की विकृति, मारा इससे क्या फर्क पड़ गया। और फिर किसी व्यक्ति ने हाथ पांव तोड़ने की धमकी दी और फिर कोई व्यक्ति जान से मारने के लिए आ गया। हाँ, ये कह रहे हैं जिसके मन में ये भले प्रकार से धर्म का निवास रहता है, धर्म जिसके हृदय में व्याप्त रहेगा, अपने प्राणों का हरण कर लेने वाला
जान से मार देने वाले व्यक्ति को भी न करे वह घात, इसका भी घात नहीं करे। आनंद सरा दिख रही है, चक्रवर्ती की बेटी थी, 3,000 वर्ष के उपवास किए उसने, पता है आपको, 1,000 वर्ष के, 3,000 वर्ष तक बहुत बहुत दिन के उपवास करते हुए, फिर कंदमूल, फिर बहुत उपवास है, 3,000 वर्ष का काल निकाल दिया उसने जंगल में रहते हुए। चक्रवर्ती की बेटी विद्याधर उठा करके ले गया था, जंगल में पटक दिया था, सारे जगह छेखंड के राजपाट में सब जगह तलाश करवाई लेकिन कहीं नहीं मिली। और जिस समय वो मिली उस समय क्या परिस्थिति थी, अजगर निकल चुका था। चक्रवर्ती सम्राट सेना के साथ में और अजगर और बेटी मिली है 3,000 वर्ष के बाद में, और मिली तो किस स्थिति में कि आधा शरीर अजगर खा चुका है, आधा बाहर बचा है। बोलो, तुरंत तलवार निकाल करके अजगर को मारने को तैयार हो गए, मना कर दिया, नहीं, अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे वह घात। अगर प्राण हरण कर रहा है वो अजगर, नहीं फिर उसका भी घात नहीं करे, क्या होगा बताइए। इसको मार करके भी मुझे तो नहीं बचा सकते क्योंकि मेरा तो आधा शरीर तो वैसे भी जा चुका है, मुझे तो मरना ही है। आप इसके प्राणों का घात नहीं करें, आप इसे अभयदान दे, अभयदान भी कर सकते, विशल्या नहीं, हाँ वो विशल्या भरी होगी, ठीक है ना, क्या, हाँ देखिए आगे। किंतु अब देखो, आप एक बात तो ये हो गई कि प्राण हरण नहीं करे, प्राण हरण करने वाले का भी घात नहीं करे धर्म जिसके हृदय में, और दूसरी तरफ जिनके हृदय में धर्म नहीं है उनकी क्या स्थिति है। किंतु धर्म दिन पिता पुत्र भी करे परस्पर, हरे परस्पर प्राणों को, मरने मारने को तैयार, एक दूसरे के दुश्मन थे, धर्म नहीं है तो मार दे एक दूसरे को। औरंगजेब ने डाल दिया था अपने पिता को जेल में, सारे मुसलमान राजाओं ने अपने बाप को मार दिया, बोलो, इतने मार दिए, इतने डाल दिया था, किसने, अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, पुणिक पुराणों में नाम मिलता है उसका, राजा श्रेणिक का बेटा, क्या हाँ। तो बहुत उदाहरण है इस तरह के, ठीक है ना, पुत्र ही पिता को जेल में पटक दे, और देखो आप कल्प, हाँ अखबार में निकलवा देते हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तरह की खबरें आती रहती है। किस लिए, धर्महीन, धर्म के बिना पिता पुत्र परस्पर एक दूसरे का घात कर देवे, एक दूसरे को मार देवे। औरंगजेब ने तो मार ही दिया था जेल में डाल करके, ठीक है ना, शाहजहां को, औरंगजेब बेटा था ना, शाहजहां का बेटा था, उन्होंने जेल में डाल दिया था उसको, और इसने मारा तो नहीं, कुर्णिक ने, राजा श्रेणिक का जो बेटा था, जेल में डाल दिया, बेड़ियों से बांध दिया, और फिर परिणाम बदल गए बाद में, अच्छे परिणाम हो गए, समझ लो आप धर्म जीवन में आ गया कि हृदय में आ गया कोई परिणाम बदले कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो वह हाथ में तलवार लेकर के गया, किस लिए, उसकी बेड़ियां काटने के लिए, जेल का ताला खुलवाया, हाथ में तलवार थी, बेड़ियां काटने के लिए जा रहा है, उसने ये सोचा कि मुझे जेल में पटक दिया, बेड़ियां बांध दी, उससे भी चैन नहीं मिला इसको जो अब मारने के लिए आ गया, और वो हड़बड़ाहट करके इधर उधर भागा बचने के लिए, और ठोकर खा करके गिरा, सर फटा और मर गया, प्राण घात हुए, नरक में चला गया मर के। ऐसे कितने प्रसंग उदाहरण मिलते हैं, किस कारण से, उसके पीछे कारण क्या है, एक ही कारण है, संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। हाँ, किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का
एकमात्र रक्षक जानो। इसलिए हे भव्य जीवों, धर्म एकमात्र रक्षक जानो सभी जीवों का, क्योंकि धर्म रहने पर सबके रक्षक है, सबकी रक्षा होगी, अपनी भी सुरक्षा है और दूसरों की भी सुरक्षा है। अरे बाहर में प्राणों का घात हो जाए उसमें क्या दम है, लेकिन अंतरंग में प्राणों का घात नहीं होता धर्म के माध्यम से। अंतरंग में धर्म है तो अंतरंग में प्राण घात नहीं हो रहे, अंतरंग में हिंसा नहीं हो रही, बाहर में हिंसा भी छूट जाएगी और अंतरंग भाव प्राणों से होने वाली जो हिंसा है, भाव हिंसा है, वो भी नहीं होगी। देखिए अर्थ पढ़ देते हैं इसका। हे शिष्य, संबोधन कर रहे हैं पेज नंबर 25। हे शिष्य तू देख, जब तक मन में धर्म रहता है तब तक ये जीव अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता। हम नहीं कह रहे, आप देखिए ये चीज, आपको दिखाई देगी ये बात, आस पड़ोस में देखिए, लोगों के जीवन में देखिए, इधर उधर देखेंगे आप, पुराणों में सब जगह आपको ऐसी बातें मिल जाएगी, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको इस संदर्भ में। तब तक ये जीव अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता, तथा मन में धर्म न होने पर, अब यदि मन में धर्म नहीं हो तो क्या होगा, मन में धर्म न होने पर पिता पुत्र में भी परस्पर घात क्रिया देखी जाती है, राज्य के लिए, धन के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान पूर्ति के लिए, घमंड के लिए, ये सब ऐसा करते हुए देखे जाते हैं। उनकी संपत्ति हड़प लेने के लिए, उनसे यदि इस प्रकार का भ्रम दिखाई देवे कि ये अपनी संपत्ति उसको दे जाएंगे, ये उसके नाम कर देंगे, मालूम क्या क्या मायाचारी से षड्यंत्र चला करते हैं दुनिया में। मतलब वही बात याद आती है मुझे उमा स्वामी आचार्य की, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। ये जगत का स्वरूप, जगत के जीवों को देख करके, उनके मायाचार और कुटिलता रूप परिणामों को देख करके वैराग्य उत्पन्न नहीं हो गए, बड़ा आश्चर्य लगता है। छल कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी, अनीति, अन्याय, बेईमानी लोगों के हृदय में, ये बड़ा ऐसा जो चलता है ना, ये बहुत ऐसा लगता है इसलिए रहने योग्य जगह नहीं है अपने लिए संसार। जितना जल्दी संसार से छूटा जाए, जितना जल्दी यहाँ से मुक्त हुआ जाए, उतना ही भला है। तो देखो, मन में धर्म न होने पर पिता पुत्र में भी परस्पर घात क्रिया देखी जाती है, इसलिए यह बात प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष माने प्रकट है, प्रत्यक्ष माने छिपी हुई बात नहीं है। प्रत्यक्ष है का मतलब हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो शास्त्रों की बातें हों। प्रत्यक्ष है कहकर के कहना चाह रहे हैं कि आपको भी दिखता नहीं है, आपको बस आपका, आपको नहीं दिखता माने आपने कभी देखा नहीं है, और हमने ये बात आज यहाँ कही है, अब आपको दिखने लगेगा, अब आप देखेंगे तो आपको सब जगह दिखाई देगा, आपको झगड़ते हुए दिखाई देंगे, इस तरह से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए यह बात प्रत्यक्ष है कि इस जगत की रक्षा धर्म से ही है, धर्म और धर्मात्माओं के माध्यम से ही जगत में रक्षा होती है। इस तरह से अपन ने यहाँ मूल श्लोक और श्लोक के अर्थ की चर्चा की, भावार्थ में इसी बात को पंडित टोडरमल जी साहब ने और स्पष्ट किया है। अपन इस प्रकरण को कल अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र जाने, सब अपने अपने सुख के, सब स्वार्थ के सही, ऐसी बात है। ज्ञानानंद स्वभावी मैं, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझे कुछ कर नहीं, स्पर्शी पर से कुछ भी संभव नहीं, कुछ
Thank you.